नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये युवा इस समय यहाँ पर आज एकत्रित हुए तभी पुल के ऊपर, जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई कि घरों के अंदर रहिए, घरों से बाहर ना निकलिए। और इस समय यहाँ पर एकत्रित है, जाने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है? आर्मी का पेपर के लिए जी। पूरा बताइए, इस समय आप लाइव देख रही हैं घंटा भर। एक साल हो गया भर्ती देख के। फरवरी में भर्ती चली थी मार्च तक। हाँ। उसके बाद इन्होंने अप्रैल में पेपर बोला, अप्रैल में भी कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा इन्होंने पेपर का, फिर जुलाई में बोला, दोबारा इन्होंने वो दिया हमें। हाँ हाँ मैम, और हर हर महीने के बाद एक डेट निकालते हैं कि अगले महीने आपका पेपर लिया जाएगा, और बाद में बोल देते हैं कि पेपर पोस्टपोन कर दिया। और जो उसके साथ ये गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पेपर चाहिए, हमें जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर रिप्लाई चाहिए, कुछ ना कुछ, नहीं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हो गया मैम? हम यही कहना चाहते हैं हमारा पेपर होना चाहिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे। मैम फॉर्म भरा था 2020 में, और 2021 में हमने भर्ती देखी। साल हो गया हमारा फिजिकल मेडिकल हो गया, बट रिटर्न नहीं हो रहा है। साल हो गया मैम, 9 दफा कैंसिल हो गया। जब भी हमारा पेपर आता है कैंसिल हो जाता है, एक दिन पहले कैंसिल कर देते हैं। अब उनके पास यही बहाना था कोरोना है, बाहर भर्ती चल रही है, स्पोर्ट्स रिलेशन चल रही है और इलेक्शन हो रही है, और बाहर देखो पेपर, नीट का पेपर हुआ, एसएससी जीडी का पेपर हुआ, उनके लिए कोरोना नहीं है, हमारे लिए कोरोना है बस। मैम मतलब कि एक बंदे को 3 चांस मिलते हैं भर्ती के लिए, ठीक है? हमारा पहली भर्ती थी, पहली भर्ती देख रहा हूँ, आखिरी भर्ती बन गई है, यही मौका है। और 4000 बच्चे हैं, तो कितने को लेंगे? बहाना यही है इनके पास कोरोना है और कुछ नहीं है। ये यहाँ पर कुछ पुलिस, क्या हुआ? हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये पुलिस वाले हमारा नाम लिख रहे हैं। मैडम आप ही बताइए, सर आप बताइए, आप जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं, हमारे नाम क्यों लिखे जा रहे हैं? सर ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये खाली अपनी बात को पहुँचाना। हमने मीडिया को अप्रोच किया था सिर्फ कि मीडिया आए और हमारी बात को आगे रखे, बस। डिमांड यही है कि हमारा रिटर्न एग्जाम हो, बस डेट निकले, कोई फिक्स हो जाए। कितनी देर होगी आपको? 3 साल हो गए, 3 साल। 2019 में फॉर्म लगाया था हमने, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। फिजिकल फिट हैं हम, मेडिकल फिट हैं हम, हमें सिर्फ पेपर चाहिए, पेपर कराओ। हमारे घर वालों को बहुत उम्मीद है हमारे साथ, हम बहुत दुखी हैं। आप क्यों हमारे साथ खेल रहे हो? हमारे भावनाओं के साथ मत खेलो, हम बहुत दुखी हैं, हम रोने को मन कर रहा है हमारा। कहाँ कहाँ से आए हैं बच्चे? बहुत दूर दूर से आए हैं, सांबा, राजौरी, पूछ लो आप डिस्ट्रिक्ट से। हम अखनूर से आए हैं मैम, हम यही चाहते हैं एलजी सर से कि हमारी बात को सेंटर तक पहुंचाए, ताकि हमारा आर्मी का एग्जाम है जो टाइम पे लिया जा सके। मैम हर बार टाइम को मैम बोलते हैं, 2 एग्जाम को हर मंथ में बोलते हैं एग्जाम होगा, डेट निकालते हैं तो 2 दिन पहले बोलते हैं कैंसिल होगा। मैम जे के एसएसबी के एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, बीएसएफ के एग्जाम हो रहे हैं, जहां तक हर एक एग्जाम हो रहा है। जब आर्मी के एग्जाम की बारी आती है तब बोलते हैं कोविड, मैम तब बोलते हैं कोविड आ गया, कोरोना आ गया। रैलीज हो रही है तब कोरोना नहीं होता मैम, लेकिन जब हमारे आर्मी एग्जाम की बारी आती है तो कोरोना। मैम हमने डबल वैक्सीन लगवा ली है सभी ने, मैम मास्क वगैरह सभी ने डालो, मैम दिख रहा है आपको बिना मास्क के यहाँ पे तो। लेकिन मैम हम फिर सिर्फ मीडिया के वैक्सीन के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं ना, तो मैम पॉजिटिव तो हो रहे हैं मैम, लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि हमारी बात को सेंटर तक पहुंचा सके। जब कोविड नहीं था तब भी हमारा एग्जाम क्यों नहीं लिया? मैम जब हमारा फिजिकल हुआ था तब भी कोविड था, तब भी कोरोना था, और तब हमने पालन किया। हमें बोला गया था मास्क, सैनिटाइजर और टेस्ट करवा के आप फिजिकल के लिए आओगे, हमने पूरा पालन किया। तब हमारा फिजिकल हुआ तब बहुत बहुत ज्यादा बच्चा था, उसके बाद निकल गया मेडिकल में, आधा बच्चा निकल गया मेडिकल से, रिटर्न के लिए टोटल 4000 बच्चा बचा है। लेकिन अब भी हम पालन करते, हमें जैसे बुलाते हम वैसे आते। तब जब इतना बच्चा था तब इससे ज्यादा कोरोना था, लेकिन बार बार हमारा पेपर पोस्टपोन हो रहा है। एक बार हालांकि सुबह पेपर होना था, शाम को बताया, सारे बच्चे आ गए थे जम्मू सारे बच्चे, और शाम को हम गए हुए थे एआरओ, बाहर पोस्टर लगा, बोला हाँ पेपर है, और 2 मिनट बाद वो हटा दिया, सारे बच्चे आ गए थे। और हमने पूछा सर क्या दिक्कत है, हमारा पेपर होना है नहीं होना? बोला हाँ अभी कंफर्म नहीं है, आपको बता दिया जाएगा है नहीं है। और 10 मिनट बाद देखते हैं, बोल रहे नहीं आपका पेपर पोस्टपोन हो गया। सारे बच्चे मैम, बच्चे जितने भी आर्मी के लिए तैयारी करते हैं सारे गरीब गरीब घर से हैं,
कोई कोई ऊंचे खानदान का आर्मी में जाने के लिए नहीं आता है। कभी किसी को देखा होगा आपने बड़े घर का लड़का कोई आर्मी में जाए? सारे गरीब खानदान से होते हैं। हम इतना खर्चा करके आते हैं घर से, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ, इतना खर्चा करके आते हैं, हम इतनी दूर से आते हैं, हमारा क्या है, मकसद क्या है? आर्मी में जाना, बॉर्डर पे जाना, हम अपनी देश की सेवा करने के लिए आते हैं इस चीज के लिए। लेकिन हमें बार बार यही कहा जाता है कि नहीं, आज बाढ़ की वजह से, और आप देख रहे हो हर बार यही बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से बाहर इतनी रैलियां हो रही है, भर्तियां भी हो रही है, रिलेशन की भर्तियां हो रही है, हर एक भर्ती हो रही, स्पोर्ट्स का कोटा इतना आ रहा है बाहर, उनकी भर्तियां हो रही है, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है, लेकिन हमारे लिए कोरोना है, हमारे लिए कोरोना है, हमारा पेपर नहीं ले रहे। हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है, हमारे हाथ जोड़ के बोल रहे, हम परेशान हो गए, 1.5 साल हो गया हमारा मेडिकल फिट हुए, घर पे बैठे हुए बहुत परेशान हो गए सारे बच्चे, हम आंसू नहीं निकल रहे हैं, लेकिन दिल से रोया, हमने दिल से रो रहे, हमारा पेपर करवा दो, हमारा बस कहने का इतना ही, हमारा यहाँ बस हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा पेपर करवा दो। आम तौर पर इन बच्चों का ये कहना है, जहाँ एक तरफ JKSSB के भी जो ट्रायल चल रहे हैं, वही दूसरी तरफ सियासी रैलीज भी चल रही है, सियासी मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो क्या इन लोगों के लिए ज्यादा कोरोना है? सवाल तो इनका भी सही, आखिर क्यों लटकाया जाता है? अगर आप, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एडवोकेट अभिनव शर्मा जी से बात की थी कि प्रोसीजर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है, 1 साल के अंदर कंप्लीशन होना चाहिए, पर वहीं दूसरी तरफ उल्लंघन किया जा रहा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का, पूरे प्रोसेस का, कि 1 साल ही लोगों, बच्चों को 2-2 साल 3-3 साल वेट करना पड़ता है। आज यहाँ पर जो आर्मी की भर्ती के लिए ये जितने भी युवा दिख रहे हैं, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एरिया से आए हैं, इनका ये कहना है कि हमें लोगों ने मजबूरी में हमें बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने देश की सेवा के लिए, जो कि बेल्ट फोर्स में आर्मी में जाने के लिए आपने जो पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे, पर दूसरी तरफ वही लिंगरान किया जा रहा है कि क्या कोरोना सिर्फ इन्हीं के लिए, ये बच्चे मेडिकल फिट है, ये मेडिकल एंड फिजिकल फिट है। अब इनका ये कहना है कि हमें रिटर्न के लिए जल्द से जल्द जो कि हमें बुलाया जाए, ताकि हम जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो कहीं ना कहीं देश को सर्व करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं लाइव विजुअल, जहाँ पर एक तरफ कोरोना पीक पर है, वही दूसरी तरफ आए दिन इस तरह के प्रदर्शन क्या कोरोना को दावत नहीं देते? पर सवाल बड़ा ये है कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन या कि सरकार सोई हुई है, इन बच्चों की बात क्यों नहीं सुनते? इन बच्चों की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रक्रिया प्रोसीजर है, वो से क्यों फॉलो नहीं किया जाता प्रॉपर, ताकि ये लोग सड़कों पर ना आए? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।